सॉरी फ्रेंड्स डिस्टर्बिंग यू अगेन. एक्चुअली ये पीछे जो बैठे हैं रुपिंदर जी, इनका नाम है ये, इन्होंने हमें काफी मुक्के वगैरह मारे क्योंकि हमने इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया. सो ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी है. ये हमारा शूटिंग में इतना सहयोग करते हैं, हमें इतना मजा आता है इनके साथ काम करके क्योंकि बहुत टैलेंटेड है ये. आपको दो दिन पहले बता देते हैं कि बारिश होने वाली है. इनके अंकल है एक जो इनको बताते हैं और वो आगे इनको बता के फिर आगे हमें बताते हैं. और पीछे ये जो थोड़ी सी गर्दन निकाल रहे हैं, ये वैसे बहुत ज्यादा शौकीन है टीवी पे. मेरे दोस्त हैं, गिटार प्ले करते हैं, बहुत अच्छा प्ले करते हैं. कब करते हैं ये मुझे कोई खास आइडिया है नहीं. वैसे मेरे सामने ये हमेशा पुराने गाने बजाते हैं पर आप इनको हमारे शो में देखते हैं और हम सब लोग बहुत मजा कर रहे हैं. एक्चुअली बहुत 8-9 साल पहले मैंने ये विंटर्स जो हैं पंजाब में इंजॉय कर रहा हूँ और काम करके बहुत मजा आ रहा है. और बहुत जल्द हम लोग आपको अपनी नई फिल्म का जो टाइटल है वो अनाउंस करेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सब्जेक्ट को. एक बार फिर से मेरे डायरेक्टर की मैं शक्ल दिखा रहा हूँ ताकि ये बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं क्योंकि इनको मेरी फिल्म करने का मौका मिला है. थैंक यू सो मच सर. बिकॉज ही इज माई ओल्ड फ्रेंड ऑल्सो. तो राजीव, यू वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट? शट योर माउथ बिकॉज आई विल रिवील ओनली. बट यू वॉन्ट टू से समथिंग बस टू योर फ्यूचर फैंस, बिकॉज तुम बहुत बड़े सुपरस्टार डायरेक्टर होने वाले हो. और ये मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ. ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय और इसने मुझे कहा भी है कि अगर मैं इसकी तारीफ करूँ तो वेन्यू से लोकेशन से वेन्यू तक जो है गाड़ी ये चला के जाएगा. सो ही इज अ वेरी फ्रेंडली डायरेक्टर. आपने बहुत प्यार दिया कपिल को हमेशा, इस फिल्म को भी दीजिएगा. हाँ, गाड़ी सीधी चलाओ बदतमीज. मैं यही चेक कर रहा था कि कितना सेंसिबल है, इसको बिल्कुल अकल नहीं है कि गाड़ी चलाते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. मैंने सर बेल्ट लगाई हुई है. बेल्ट लगाई हुई तो आंखों पे तो नहीं ना कुछ लगाया? और कुछ बोल. सो हम लोग चंडीगढ़ में घूम रहे हैं, बहुत अच्छी. कपिल जी की मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को इतना मजा आ रहा है गाड़ी चलाने का. थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि गाड़ी थोड़ी बड़ी है. कोई बात नहीं, अगर कुछ हुआ, स्क्रैच वगैरह हुआ, मैं इसके पैसे काट लूंगा क्योंकि उस फिल्म को प्रोड्यूस भी मैं कर रहा हूँ. हाँ जी, प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ है इसलिए. अच्छा, ये सारी उम्र चलता रहेगा लाइव, मतलब अगर हम बंद नहीं करेंगे तो? हाँ जी सर. जी आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं सर, तो फिर आप उतारो इनको, रूपी जी को. इनको तो कुछ पता ही नहीं लाइव के बारे में. दिनेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप काफी लाइव जाते हैं और इनके भी तकरीबन 26 फॉलोअर हैं फेसबुक पे दिनेश जी के. ये बहुत ज्यादा लाइव जाते हैं, इन्होंने मुझे आइडिया दिया. सो थैंक यू दिनेश जी. आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या, जितना मर्जी चला सकते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, आप चलाओ थोड़ा. कपिल जी को आप चलिए. बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ अच्छा, मैं जब तक चंडीगढ़ में हूँ तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा कि जितने भी मेरे सारे दोस्त हैं यहाँ पे फेसबुक पे जो मेरा पेज फॉलो करते हैं, मैं आप सबसे रोज दो बातें जरूर किया करूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. कीप स्माइलिंग.